इनके बच्चों के लिए स्पेशल एमबीबीआई कुछ फैक्ट है जो देख लेंगे, काफी नीट के स्टूडेंट के लिए एमबीबीआई फैक्ट ध्यान देंगे। नीट के बच्चों के लिए जीव विज्ञान शब्द का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी वर्ड जो होता है किनका नाम है तो लैमार्क, याद रख लीजिए लैमार्क एवं ट्रिविरेनस, ये आपको याद कर लेना है बाबू, लैमार्क एवं ट्रिविरेनस याद रहना चाहिए, काफी बात पूछा पेपर के नीट के बच्चों के बीच। जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है अरस्तु, ये भी याद रखिएगा अरस्तु कहा जाता है। जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, याद रखिएगा टाइप्स ऑफ बायोलॉजी टू, दो प्रकार के होते हैं याद कर लीजिए। अभी अगला लगता है प्राणी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु साहब को ही कहा जाता है, ये भी याद होना चाहिए अरस्तु साहब को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो ये भी याद रखिएगा थियोफ्रेटस को, थियोफ्रेटस ठीक है। एक और हम आपको बता दें भूड विज्ञान का पिता फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु महाशय को कहा जाता है ठीक है। ये नीट का बच्चे कुल काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, तो मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में, जय हिंद।